कैनेडियन वजीर आजम की सरकारी वेबसाइट की बंदिश का मामला, ट्रूडो ने वेबसाइट की बंदिश को रूसी कार्रवाई करार दे दिया। वेबसाइट ऐसे मौके पर बंद हुई थी जब यूक्रेन के वजीर आजम ने टोरंटो का दौरा किया था। कैनेडा में इस्लाम मुखालिफ वाकया थम न सके, मारखम में एक और इस्लाम मुखालिफ वाकया रिपोर्ट, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ऑन्टेरियो का जज का शाम से रिहा होने वाली दो कैनेडियन खवातीन की रिहाई का हुक्म, टेररिज्म बॉन्ड के तहत दोनों खवातीन को जमानत पर रिहाई की गई है। 4 खवातीन और 10 बच्चे गुज़िश्ता हफ्ते मॉन्ट्रियल पहुंचे थे। चीन के साथ नई सर्द जंग शुरू करना हमारा हदफ नहीं, अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि चीन के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना हमारे मफाद में है, आलमी मसाइल में चीन के साथ तआवुन के लिए तैयार हैं। सऊदी वली अहद और अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती का ईरान यमन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमरीका का जामा नुक्ता नज़र पर मबनी रोड मैप पर अमल करने की कोशिशों का खैर मकदम, अमरीका की जानिब से क़याम अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन की पेशकश। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की सरकारी वेबसाइट को मंगल को एक मुख्तसर मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया था और उनका ख्याल है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है। साइट को उस वक्त ऑफलाइन किया गया जब यूक्रेन के वजीर आजम डेंस शिमहल ने टोरंटो का दौरा किया और एक बाज़ाब्ता दो तरफा मीटिंग और रूस के साथ जंग में मजीद हिमायत का ऐलान किया। ट्रूडो ने कहा कि रूस चंद घंटों के लिए कनाडा की हुकूमत के एक सरकारी वेब पेज को नीचे लाने के काबिल होना किसी भी तरह से हमें यूक्रेन की गैर मुतजलजल हिमायत से रोक नहीं सकता। ट्रूडो का कहना था कि ये वेबसाइट की तवील बंदिश नहीं थी, उनका वक्त ज़ाया नहीं हुआ है। उन्होंने निशानदेही की कि रूसी हैकर्स इन ममालिक को निशाना बनाते हैं जब वो यूक्रेनी हुकाम की मेज़बानी करते हैं। उन्होंने वजाहत की कि रूसी हैकर्स के लिए ममालिक को निशाना बनाने के लिए क्योंकि वो यूक्रेन के लिए अपनी साबित कदमी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि वो यूक्रेन के वफूद या क़यादत का दौरा करने के लिए खैर मकदम कर रहे हैं। ये वक्त हैरान कुन नहीं है। वेबसाइट अब दोबारा ऑनलाइन है और कनाडा की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज का कहना है कि इस तरह के हमले तवज्जो हासिल करते हैं लेकिन मुतासरा निज़ामों पर बहुत कम असर डालते हैं। दरी असना ट्रूडो ने शिमहल के साथ अपनी मुलाकात का इस्तेमाल रूसी और बेलारूस के हुक्काम पर नई पाबंदियों, कनाडा यूक्रेन के आज़ाद तजारती माहदे को जदीद बनाने और तकरीबन 21,000 असॉल्ट राइफल्स, दर्जनों मशीन गनों,
और 20 लाख से زائد राउंड्स की नई फौजी हिमायत का ऐलान करने के लिए किया। कनाडा में इस्लाम मुखालिफ वाकयात थम न सके। मार्कम शहर में एक ही हफ्ते में दो और मॉन्ट्रियल में एक इस्लाम मुखालिफ वाकया पेश आया। कनाडा के शहर मार्कम की एक और मस्जिद में एक हफ्ते से भी कम अरसे में दूसरे मुश्तबा नफरत अंगेज वाकये के बाद इल्जाम आयद किए गए। पुलिस का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं है कि वाकयात आपस में जुड़े हुए हैं। रिचमंड हिल के एक शख्स पर हफ्ते के आखिर में मार्कम मस्जिद में मुश्तबा नफरत अंगेज वाकये के बाद फर्द जुर्म आयद की गई है। यॉर्क रीजनल पुलिस के मुताबिक ये वाकया इतवार की शाम बेवेब और प्रॉक्टर एवेन्यू के इलाके में इमाम महदी इस्लामिक सेंटर में पेश आया। ये मस्जिद मार्कम में एक हफ्ते के अंदर हमले का निशाना बनने वाली दूसरी मस्जिद है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं है कि इन वाकयात का कोई ताल्लुक है। एक न्यूज़ रिलीज में पुलिस ने कहा कि ऐनी शाहिदीन ने अफसरान को बताया कि एक शख्स ने रात तकरीबन 8:20 पर मस्जिद के दाखिली रास्ते को रोका, अपनी गाड़ी से बाहर निकला और नमाजियों पर तंजिया नारेबाजी की। ऐनी शाहिदीन ने यह भी कहा कि मस्जिद के बाहर एक हुजूम बन गया और उस शख्स ने भागने से पहले कई लोगों पर हमला किया। 47 साल शख्स को पीर की शाम गिरफ्तार किया गया था और उस पर $5,000 के तहत हमला और शरारत के 3 इल्जामात लगाए गए थे। इसके बाद ये शख्स अदालत में पेश हुआ और इसे रिहा कर दिया गया। इसे 17 मई 2023 को दोबारा अदालत में पेश होना है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में डेंसन स्ट्रीट पर वाकया मार्कम मस्जिद की इस्लामिक सोसाइटी पर 6 अप्रैल को हमला किया गया, जिसके बारे में पुलिस का ख्याल है कि ये अलग अलग वाकया था। दूसरी जानिब शहर मॉन्ट्रियल की मस्जिद में तोड़ फोड़ के बाद एक शख्स पर फर्द जुर्म आयद की गई। कैनेडियन मुस्लिम फोरम ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें दिखाया गया है कि एक शख्स रमजानुल मुबारक के दौरान शहर के वस्त में वाकया अलोमा मस्जिद के सामने के दरवाजे में दाखिल होता है, जिसके अंदर नमाजी मौजूद हैं और वो वहां तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। मस्जिद के अंदर मौजूद 3 नमाजियों ने उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। किसी को जिस्मानी चोट नहीं आई। कनाडा के सूबे ओंटारियो के जजेस ने 2 खवातीन की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया है, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते शुमाल मशरकी शाम के जेल कैंप से कनाडा वापसी पर गिरफ्तार किया गया था। अमारा अमजद और दौर अहमद को दहशतगर्दी अमन बॉन्ड की जेरे इल्तवा दरख्वास्तों पर रिहा किया गया, इन शराइत के तहत जिनकी तशहीर नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी अशात पर पाबंदी आयद है। दोनों खवातीन उन 4 कैनेडियन खवातीन और 10 बच्चों में शामिल थीं जो शुमाल मशरकी शाम में अलरोज जेल कैंप में बरसों तक कैद रहने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते मॉन्ट्रियल पहुंचे थे। एक और खातून जो कनाडा से शाम से वापस आने वाले ग्रुप में शामिल थीं, जुम्मे को एडमिंटन में जमानत पर रिहा हो गई। दहशतगर्दी के लिए अमन बॉन्ड की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। दहशतगर्दी का अमन बॉन्ड एक जज को मुद्दा अलिया को अच्छे बर्ताव के इंतजाम में दाखिल होने का हुक्म देता है, मुमकिन तौर पर कर्फ्यू जैसी शराइत के साथ, या फिर मुमकिन तौर पर जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन के साथ ताल्लुकात में हमारा हदफ नई सर जंग शुरू करना नहीं, अमन, इस्तेहकाम, सलामती और मौके पैदा करना है। चीन के साथ ताल्लुकात को बगैर किसी मसले के आगे बढ़ाना हमारे मफाद में है। ब्लिंकन ने दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अमरीका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के हमरा फिलिपाइन के वज़ीर ख़ारजा एंड्रिक मानालो और वज़ीर दिफा कार्लिटो गालविस के साथ अमरीका फिलिपाइन 2+2 वज़रा इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इजलास के खिताम में ब्लिंकन ने कहा है कि फिलिपाइन के वज़रा के साथ हमने माहौलियाती और मौसमियाती मामलात में बाहमी तआवुन के पहलुओं पर बातचीत की। अलावा अजी तरक्की याफ्ता दिफाई तआवुन समझौते EDCA के दायरा कार में दोनों ममालिक की सिक्योरिटी यूनिट्स के दरमियान मुश्तरका कार्रवाइयों को तकवीत देने पर भी गौर किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा यकीन है कि चीन के साथ ताल्लुकात को बगैर किसी मसले के आगे बढ़ाना हमारे मफाद में है। हमारा हदफ अमन, इस्तेहकाम, सलामती और मौके की तशकील है। चीन के साथ सर जंग शुरू करना या फिर इसे काबू में लेना नहीं। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका इलाके में अपने मफादात और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक मुज़म्मिम तर्ज अमल अपनाए रखेगा। हम ग्लोबल मसाइल में चीन के साथ तआवुन के लिए तैयार हैं और दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित के रास्ते खुले रहने को अहम ख्याल करते हैं। इस सवाल के जवाब में कि फिलिपाइन के बेसों पर अमरीकी फौजियों की तैनाती के ताइवान और चीन के दरमियान किसी मुमकिन जंग पर क्या असरात होंगे, ब्लिंकन ने कहा है कि इलाके में हमारे बुनियादी अहदाफ अपनी स्ट्रेटेजिक्स का इत्तला करना और ताकत के लिए सरमायाकारी करना है। ये काम हम अपने यूरोपी और पैसिफिक समेत तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सलमान ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से यमन में जारी पेशरफ
और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल किया। वाशिंगटन की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया कि जैक सुलेवान और सऊदी वली अहद ने खत्ते में कशीदगी के खात्मे के हवाले से पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगु में उन्होंने ईरान समेत दीगर खतरात से मुतालिक भी बातचीत की। व्हाइट हाउस की जानिब से एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि इस बातचीत के दौरान फरीकैन ने यमन में जंग के खात्मे से मुतालिक जारी सिफारतकारी और मुतादित आलमी और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया और सिलवान ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब के यमन में जंग के खात्मे के लिए एक जामह नुक्ता नज़र पर मबनी रोड मैप पर अमल करने की कोशिशों का खैर मकदम करता है। इस राबते से कबल गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी खुफिया इदारे CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक जैक सुलेवान ने यमन में गुज़िश्ता एक बरस के दौरान होने वाली पेशरफ्त को सराहा। इस साल एक साल के दौरान अक्वामे मुत्तहदा की सालिसी में होने वाले जंग बंदी मुहायदे के नतीजे में लड़ाई बहुत महदूद हो गई थी। जैक सुलेवान ने सऊदी अरब की जानिब से जंग के खात्मे के लिए जामा कोशिशों का खैर मकदम करते हुए अमरीका जानिब से हर मुमकिन तआवुन की पेशकश की। बयान में कहा गया है कि सुलेवान और वली अहद ने ईरान और दीगर खतरात के खिलाफ मज़ाहमत को बरकरार रखने और खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के उमूर पर तबादला ख्याल किया और अमरीकी सदर जो बाइडन के इस अजम से आगाह किया कि ईरान जौहरी हथियार तक रसाई नहीं कर सकेगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए यमन टिम लैंडकिंग को नए जामे अमन मुहायदे की कोशिशों में मदद के लिए खलीज के दौरे पर भेजा गया है। अमरीकी नुमाइंदा इस दौरे के दौरान यमनी सऊदी और दीगर बैनुल अक्वामी इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे ताकि देरपा जंगबंदी का मुहायदा तय किया जा सके। Thank you.